अगर तो आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं कि तो एक चीज़ है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, और यकीन मानिए इसी के वजह से आप कई बार अंग्रेजी जानते हुए भी वाक्य नहीं बना पाते, और वो है स्पेलिंग रूल्स। स्पेलिंग रूल्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप चाहे अंग्रेजी बोलना चाहें, आप अंग्रेजी में वाक्य बनाना चाहें, आप स्ट्रक्चर्स की मदद से अंग्रेजी बोलना चाहें, या कोई कॉन्सेप्ट लर्न करना चाहें, स्पेलिंग रूल्स अगर आपने कर लिए, तैयार कर लिए पक्के अपने, तो आपको इन सारी चीज़ों में मदद मिलने वाली है। तो स्पेलिंग रूल्स को चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं क्या है, कैसे हैं, किस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सी। जी हाँ, सी जो अल्फाबेट है हमारा, कह पढ़ते हैं ना ए बी सी, तो सी की बात करते हैं। सी का उच्चारण जो है आपने कई बार देखा होगा बहुत सारे स्पेलिंग्स में, कभी लोगों को कहते सुना होगा सी से स्पेलिंग लिखी हुई है पर उच्चारण क से हो रहा है, कभी सुना होगा स से हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या वाकई ऐसा होता है या लोग ही गलत बोलते हैं? तो बता दूं, जी नहीं, बिल्कुल होता है। सी का उच्चारण कभी स होता है, कभी क होता है। आपको क्या करना है, आपको जानना है कि ये जो चेंज है वो कब होता है, क्यों होता है, और उसके रूल्स क्या हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सी का उच्चारण कब स से होता है। मैंने क्या कहा, सी का उच्चारण कब स से होता है, रूल को ध्यान से सुनना होगा। समझिए, सी के बाद जो स्पेलिंग लिखी हुई है आपको स्पेलिंग पे फोकस करना होगा जब आप सी का उच्चारण करने वाले होंगे तब, राइट। सी के बाद अगर ई, आई या वाई हो, क्या हो, ई हो, आई हो या वाई हो, तो सी का उच्चारण स होता है। बेहद आसान, बेहद सिंपल। इसको और आसान बनाते हैं, चलिए समझते हैं उच्चारण को उदाहरण की मदद से। सी के बाद मैंने क्या बताया, ई होगा, नहीं तो आई होगा, नहीं तो वाई होगा, तब सी का उच्चारण हमें कर लेना है स, राइट। जैसे सी आई टी आई जेड ई एन, चलिए मिलाइए, क्या लिखा हुआ है, सी के बाद आई लिखा हुआ है। तो यहां पर हमें समझ आ गया कि सी का उच्चारण स होगा। इसको पढ़ेंगे सिटीजन, क्या पढ़ेंगे, सिटीजन। बैलेंस अगला शब्द है हमारे पास, बी ए एल ए एन सी ई, सी के बाद क्या है, ई है, तो यहां पर भी स पढ़ेंगे, इसीलिए हमने पढ़ा बैलेंस, क्या पढ़ा, बैलेंस। डिवाइस, डी ई वी आई सी ई, डिवाइस, यहां पर देखिए सी के बाद क्या है, बताइए सी के बाद क्या है, ई है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे, डिवाइस, हमने पढ़ा डिवाइस। प्राइस, पी आर आई सी ई, सी के बाद क्या है, फटाफट, सी के बाद क्या है, ई है, तो ई रहेगा तो स उच्चारण होगा, हो गया प्राइस, क्या हो गया, प्राइस। अगला शब्द है पी ओ एल आई सी वाई, क्या पढ़ेंगे, सी के बाद क्या है, वाई पढ़ेंगे, पॉलिसी, पॉली की नहीं पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि अभी स को उच्चारण पढ़ रहे हैं, कब, जब सी के बाद ई आई वाई हो, तो सी का उच्चारण स होगा, जिसके तहत ये शब्द बन जाएगा पॉलिसी, क्या बन जाएगा, पॉलिसी। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, स्वागत है आपका आज की क्लास में, मैं हूँ प्रीति मैम, और आप आज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम उच्चारण के ऊपर क्लास बना दो, स्पेलिंग रूल्स के ऊपर क्लास बना दो, लीजिए भाई क्लास आ गई है। आपको क्या करना है, आपको कर लेना है फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करते वक्त इस बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना है, ताकि इसके आगे जो भी इसी तरीके की बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल क्लासेस मैं लेकर करके आऊं आपको जरूर पता लग जाए, और आप अपनी अटेंडेंस लगाने यहां पर जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब जानते हैं सी का उच्चारण, मैंने पहले क्या बताया, स होता है, नहीं तो क होता है, राइट। स कब होता है, समझ लिया, क कब होता है, बस अभी समझेंगे। सी के बाद
फिर से चलिए शुरू करते हैं। सी का उच्चारण कब क होता है, ये पढ़ने वाले हैं अभी। सी का उच्चारण कब क होता है। सी के बाद ध्यान से सुनेंगे, सी के बाद अगर ए ओ यू खत्म नहीं हुआ है, ए ओ यू या व्यंजन हो या कुछ नहीं हो तो सी का उच्चारण क होता है। अगेन, सी के बाद अगर ए ओ यू हो या व्यंजन हो या कुछ ना हो, कई सारे स्पेलिंग्स होती है ना सी से खत्म हो जाती है, सी पे खत्म हो जाती है ना, कुछ ना हो तो सी का उच्चारण क होता है। अब छोटा सा इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा, व्यंजन क्या होता है भाई, आप एबीसीडी जो हम पढ़ते हैं ए से लेकर के जेड तक, उसमें से वॉवल्स निकाल दीजिए, यानी कि ए ई आई ओ यू निकाल दीजिए, जो बचे वो हमारे हैं व्यंजन, राइट। चलिए उदाहरण से समझते हैं, सी के बाद अगर ए ओ यू या व्यंजन हो या कुछ ना हो तो सी का उच्चारण क होता है, और ऐसे कुछ शब्द हमारे पास है। सबसे पहला सी ए बी एल ई, सी के बाद क्या है, ए है, तो ए लिस्ट में था क्या, बिल्कुल था, ये हो जाएगा केबल, क्या होगा केबल। सी एल ई ए आर क्या है, क्लियर, क्यों भाई यहां पर ए ओ यू तो नहीं आया, लेकिन ध्यान दीजिए व्यंजन तो आया, सी के बाद एल है व्यंजन, इसीलिए हो गया क्लियर। अब टी ओ पी आई सी, सी के बाद कुछ नहीं है, खत्म हो गया, अभी बताया ना बहुत सारे स्पेलिंग्स ऐसे होते हैं जहां पर सी पे ही खत्म हो जाता है ना, कैसे स्पेलिंग होते हैं, टॉपिक, टी ओ पी आई सी, सी पे खत्म हो गया, टॉपिक उच्चारण क, टॉपिक। प्लास्टिक पी एल ए एस टी आई सी, सी पे खत्म हो गया ना, हो गया प्लास्टिक, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब समझते हैं कि किसी भी शब्द में आई एन जी लगाने का क्या नियम है, क्या ऐसा कोई नियम है। जी हाँ, आपको क्या पता था कि ऐसा नियम भी है कि आप किसी भी शब्द में आई एन जी लगा करके कैसे उसको अपने वाक्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए समझते हैं, जब किसी वर्ब का आखिरी अक्षर, ध्यान से, जब किसी वर्ब का आखिरी अक्षर ई हो तो ई को काट कर आई एन जी लिखते हैं। ये ऐसी मिस्टेक है, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को मैंने देखी है ये मिस्टेक करते हुए, आपको नहीं करनी है। अगर आपको ये बात अभी तक नहीं पता थी तो आज पता चल गई, और कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि कैसी लगी ये वाली ट्रिक, है ना। समझिए, आपको हमेशा कंफ्यूजन होती होगी, कई बार जब आप बोलते हैं या लिखते हैं, मोस्टली लिखते के वक्त कंफ्यूजन होती होगी कि आपने लिखना है राइट, आपने लिख लिया फिर राइटिंग लिखना है, दिमाग में आता है कि स्पेलिंग क्या होगी, डब्ल्यू आर आई टी ई आई एन जी, ये होगी क्या स्पेलिंग, बता दूं ये बिल्कुल गलत स्पेलिंग है। आपको क्या करना है, आई एन जी कैसे लगाएंगे किसी भी शब्द में, जब भी किसी वर्ब का आखिरी अक्षर, ध्यान से, जब भी किसी वर्ब का आखिरी अक्षर ई हो तो ई को काटेंगे, मतलब उसको अलग कर देंगे, बोलेंगे तुम अपने घर चले जाओ, उसके बाद आई एन जी लगा देंगे। जैसे डब्ल्यू आर आई टी ई, इसको बनाना है आई एन जी, मतलब इसको राइट को राइटिंग बनाना है, राइट, राइट को राइटिंग, मतलब मेरा सही वाला राइट था, राइट, राइट को राइटिंग बनाना है तो आपने करना है ई को गायब और एड कर देना है आई एन जी। राइज को राइजिंग बनाना है, राइज को राइजिंग बनाना है, राइज में से ई गायब कर देंगे, आर आई एस ई स्पेलिंग होती है राइज की, ई को कर दीजिए गायब, डाल दीजिए आई एन जी, बन गया राइजिंग। वोट किसने किसने डालना है, चलो वी ओ टी ई, ई हटा दीजिए, क्या बन गया वोटिंग, वोटिंग। कम सी ओ एम ई, ये बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, सी ओ एम ई, ई को हटा दीजिए, आई एन जी डाल दीजिए, कम बन गया कमिंग। लीव एल ई ए वी ई, लीव हटा दीजिए, हो गया लीविंग, क्या हो गया लीविंग। इसके अलावा जब किसी वर्ब के अंत वाले अक्षर के ठीक पहले अगर एक वॉवेल आया हो, ध्यान से, अगर किसी वर्ब के अंत वाले अक्षर के ठीक पहले वॉवेल आया हो तो ऐसे वर्ब में आई एन जी लगाते समय अंत वाले अक्षर को डबल करके आई एन जी लगाते हैं, है ना, इंटरेस्टिंग।
आपने देखा होगा डबल आई के साथ आईएनजी लगा हुआ है, कंफ्यूजन होती है, अब नहीं होगी। सबसे पहला उदाहरण डी आई जी, ठीक है। तो देखिए सबसे लास्ट वाले के पहले क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, वॉवल दिख रहा है ना, डी आई जी, तो क्या हो जाएगा, डिगिंग, क्या हो जाएगा, डिगिंग। अंत वाले अक्षर को डबल करना है तो जी अजी है हमारा अंत वाला अक्षर, क्या बन गया, डिगिंग, आर यू एन बन जाएगा, रनिंग, देखिए डबल एन हो गया क्योंकि एन के पहले यू, यू क्या है, वॉवल है, सी यू टी, इसको कटिंग बनाना है तो टी के पहले यू लगा हुआ है, यू जो है वो वॉवल है, टी का जो है वो डबल हो जाएगा कटिंग। शटिंग, शट को शटिंग बनाना है, एस एच यू टी, टी के पहले यू लगा हुआ है, यू क्या है, वॉवल है, तो टी क्या होगा, डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा शटिंग, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे, समझते हैं नाउन के साथ एस या ईएस कब लगाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, नाउन के साथ एस या ईएस कब लगाते हैं समझते हैं। नाउन के अंत में अगर सी एच, एस एच, एस, एस एस, एक्स हो, जी नहीं, एक एक को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हर में आपको समझना होगा कि क्यों लगता है, कैसे लगता है। चलिए समझते हैं, सबसे पहले बात करते हैं नाउन के अंत में अगर सी एच हो तो क्या करेंगे। नाउन के अंत में अगर सी एच हो तो उसमें ई एस जोड़िए, क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे, जैसे डब्ल्यू ए टी सी एच, वॉच, यानी कि घड़ी, राइट, क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ देंगे, हो गया वॉचेस, क्या हो गया, वॉचेस, एक घड़ी, ज्यादा घड़ी, वॉचेस। ब्रांच, बी आर ए एन सी एच, लास्ट में क्या है, सी एच है, ब्रांचेस, क्या हो गया, ब्रांचेस। बीच, बी ई ए सी एच, बीच, सी एच है लास्ट में, बीचेस, ई एस लगा दिया, बन गया बीचेस। बढ़ते हैं आगे, अब समझते हैं नाउन के अंत में अगर एस एच हो तो भी ई एस जोड़ेंगे, राइट, जैसे एफ आई एस एच, फिश हो गया फिशेस, क्या हो गया, फिशेस, क्योंकि हमने ई एस जोड़ दिया, फिश के बाद क्या जोड़ दिया, ई एस जोड़ दिया, क्यों जोड़ा, क्योंकि एस एच है फिश की स्पेलिंग में। ब्रश, बी आर यू एस एच, ब्रश, ई एस जोड़ दीजिए फटाफट, बन गया ब्रशेस, क्या बन गया, ब्रशेस। विश, डब्ल्यू आई एस एच, विश, इसके अंत में जोड़िए ईएस, बन गया विशेस, क्या बन गया, विशेस। समझते हैं नाउन के अंत में अगर एस लगा हो तो क्या जोड़ेंगे, तो ईएस ही जोड़ेंगे, जैसे बी यू एस, ईएस लगाइए, बसेस, क्या हो गया, बसेस। वायरस, भाई इसका तो नाम ही मत लो, वायरस है ना, वी आई आर यू एस, साथ में ईएस जोड़ दीजिए, बन गया वायरसेस, क्या बन गया, वायरसेस। गैस, जी ए एस, लास्ट में क्या है, गैस, यानी कि गैसेस, ईएस जोड़ दिया हमने, है ना, बन गया गैसेस। अब समझते हैं नाउन के अंत में अगर डबल एस हो, क्या हो, डबल एस हो तो भी ईएस जोड़ेंगे, जैसे जी एल ए डबल एस, ग्लास, इसमें ईएस जोड़ेंगे, बनेगा ग्लासेस, क्या बनेगा, ग्लासेस। सी एल ए डबल एस, क्लास, क्या बनेगा, ईएस जोड़ेंगे तो क्लासेस। मैं क्या बोलती हूँ शुरुआत में, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश, क्लासेस, राइट। ए डबल एस एस, ईएस जोड़ दीजिए, एसेस, राइट। अब समझते हैं जब नाउन के अंत में एक्स हो तो क्या जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे, जैसे बॉक्स, बी ओ एक्स, बॉक्स, ये इसमें ईएस जोड़ेंगे, बन जाएगा बॉक्सेस, क्या बनेगा, बॉक्सेस। फॉक्स, एफ ओ एक्स, फॉक्स, ईएस जोड़िए, फॉक्सेस। प्रीफिक्स, एक्स है लास्ट में, बन जाएगा प्रीफिक्सेस, क्या बनेगा, प्रीफिक्सेस। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं अब जी का उच्चारण। आपने देखा होगा जी का उच्चारण भी जो है ना, कई सारे स्पेलिंग्स में कभी ग हो जाता है, कभी ज हो जाता है, ऐसा क्यों होता है,
चलिए बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। ये भी स्पेलिंग रूल्स की वजह से होता है। जी का उच्चारण ग कब होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं, राइट। जी का उच्चारण ग कब होता है, इसके रूल समझ लीजिए। जी के बाद, किसके बाद, जी के बाद अगर ए ओ यू हो, जी के बाद अगर व्यंजन हो, जी अगर अंत में हो, तो जी का उच्चारण ग होता है। छोटी सी इंफॉर्मेशन, व्यंजन मतलब अल्फाबेट वाले सीरीज से ए ई आई ओ यू को यानी कि वोवल को हटा दीजिए, जो बच गया वो व्यंजन कहलाता है। चलिए उदाहरण से बेहतर समझते हैं। जी यू एन, क्या है, जी के बाद यू है, राइट, तो क्या बन जाएगा, ग उच्चारण होगा ना, क्या होगा, गन, क्या होगा, गन। अगला है गैंग, जी ए एन जी, जी के बाद क्या है, ए है, बन गया गैंग यानी कि टोली, और गन का मतलब क्या होता है, बंदूक, गैंग यानी कि टोली। जी ओ एल डी, जी के बाद क्या है, ओ, क्या बताया था, ए ओ यू अगर हो जी के बाद तो ग उच्चारण करेंगे, गोल्ड यानी कि सोना। और दूसरा क्या बताया, जी के बाद अगर व्यंजन हो तो भी ग उच्चारण होता है, जैसे जी आर ई ए टी, ग्रेट, ग से उच्चारण हुआ, ग्रेट यानी कि महान। अब भाई जी के बाद आर है, आर क्या है, व्यंजन है, ग्रेट। जी एल ए डबल एस, ग्लास, जी के बाद क्या है, एल है ना, एल क्या है, व्यंजन है ना, तो ग्लास यानी कि कांच। जी आर ए पी ई एस, जी के बाद आर है, आर हमारा व्यंजन है, इसीलिए ग उच्चारण होगा, ये बन जाएगा ग्रेप्स यानी कि अंगूर, क्या बन जाएगा, ग्रेप्स यानी कि अंगूर। ग्लो, जी एल ओ डब्ल्यू, ग्लो, जी के बाद एल है, एल हमारा व्यंजन है, ग उच्चारण होगा, ये बन जाएगा ग्लो यानी कि चमक। तीसरा, जी के अंत में, मतलब शब्द के अंत में अगर जी हो, जो शब्द है वो जी से ही एंड हो रहा हो, तो भी ग होता है, जैसे बी यू जी, इसके बाद कुछ नहीं है ना, बग यानी कि बग, बी यू जी बग यानी कि कीड़ा। ड्रैग, डी आर ए जी, लास्ट वाला क्या है, ग, मतलब जी है, तो ग उच्चारण होगा, ड्रैग यानी कि खींचना। डॉग, बड़ा आसान है ना, रोज बोलते हैं हम लोग, डॉग, डी ओ जी, लास्ट में जी है, ग उच्चारण होगा, हो गया डॉग। समझते हैं जी का उच्चारण कब ज होता है, क्या होता है भाई, जी का उच्चारण कब ज होता है, ये भी समझने वाली बात है। जी के बाद अगर, ध्यान से सुनिए, जी के बाद अगर ई आई वाई हो तो जी का उच्चारण ज होता है, याद रहेगी, जी के बाद अगर ई आई वाई हो तो जी का उच्चारण ज होता है, जैसे जी ई एल, जी के बाद क्या है, ई है, क्या उच्चारण होगा, ज होगा, जो कि हो गया जेल। जेल होता है चिपचिपा सा कुछ होता है, मतलब चिपचिपा सा घोल जैसा होता है, वो कुछ भी हो सकता है जेल, राइट, तो उसको जेल कहते हैं। जिंजर, जी आई एन जी ई आर, जी के बाद क्या है, आई है, हो गया जिंजर यानी कि अदरक, अदरक होता है, ठीक है, जिंजर का मतलब अदरक होता है। एनर्जी, ई एन ई आर जी वाई, जी के बाद क्या है, वाई है, क्या बताया, ई आई वाई हो तो जी का उच्चारण ज होता है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा, राइट। चलिए बढ़े आगे और समझते हैं आप पांचवा स्पेलिंग का रूल, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि ये आपके अंग्रेजी बोलने से संबंधित है, आपकी उच्चारण से संबंधित है। समझिए, ए का उच्चारण कभी ए होता है, कभी अ होता है, इसके लिए क्या कोई नियम है, या अपने मन से लोग बना लेते हैं, तो जी नहीं, इसके लिए नियम है, प्रॉपर रूल है कि कब आप किस स्पेलिंग में ए का उच्चारण ए कहेंगे और किस स्पेलिंग में अ कहेंगे। चलिए समझते हैं, जब किसी, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब किसी पांच लेटर्स से अधिक शब्द के अंत में, पांच लेटर्स के शब्द यानी कि आप शब्दों पांच लेटर्स को काउंट करिए, एक दो तीन चार पांच से ज्यादा लंबा स्पेलिंग हो अगर, और उसके एंड में, उसके लास्ट में अगर आपको दिखता हो ए एन,
दिखता हो ए एल, दिखता हो ए आर, या दिखता हो ए एन टी, या दिखे ए एन सी ई, तो ए का उच्चारण अ होता है। अगेन से, पांच अक्षर है, पांच अक्षर से ज्यादा बड़ा स्पेलिंग अगर होगा, आसान भाषा में समझते हैं, पांच अक्षरों से ज्यादा वाले अक्षर वाले स्पेलिंग में अगर लास्ट में ए एन दिखे, ए एल दिखे, ए आर दिखे, ए एन टी दिखे, ए एन सी ई दिखे, तो ए का उच्चारण ए नहीं अ होता है। उदाहरण के तौर पर ए, सबसे पहले गिनते हैं, चलिए ए एम ई आर आई सी ए एन, देखिए पांच अक्षरों से ज्यादा बड़ी स्पेलिंग है कि नहीं, हो गया एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ है इसमें, है ना, तो पांच से तो बड़ी हो गई ना, तो इसके, और फिर दूसरा क्या चेक करना था कि लास्ट में क्या होना चाहिए, ए एन ए एल ये सब होना चाहिए, हमारे यहाँ लास्ट में क्या है भाई, ए एन है, तो अब यह इसको क्या पढ़ेंगे, अमेरिकन, क्या पढ़ेंगे, अमेरिकन, राइट। आगे बढ़ते हैं, पी आर आई एन सी आई पी ए एल, प्रिंसिपल, क्या पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल, क्यों भाई, सबसे पहली चीज पांच अक्षरों से ज्यादा वाली है, करेक्ट, अच्छा लास्ट में क्या होना चाहिए, ए एन ए एल, ये वाला चेक करना है, चेक करिए जरा इसमें क्या है, ए एल है, तो यहां पर उच्चारण अ होगा, इसीलिए हो गया प्रिंसिपल, क्या हुआ, प्रिंसिपल। अच्छा अगला, बेगर, क्या है, बेगर, बी ई डबल जी ए आर, चेक करते हैं पांच से ज्यादा है क्या इसमें, एक दो तीन चार पांच छह, हाँ जी पांच से ज्यादा है, और लास्ट में है ए आर, जो कि हमारी लिस्ट में भी है, ए एन ए एल ए आर ए एन टी ए एन सी ई, जी हाँ, तो यहां पर भी अ उच्चारण होगा, ये बन जाएगा बेगर, क्या बन जाएगा, बेगर, राइट। तो चलिए भाई, ये आज हमने किए बहुत ही ज्यादा जरूरी वाले स्पेलिंग रूल्स, जो आपको अंग्रेजी बोलने में मदद करने वाले हैं, लिखने में मदद करने वाले हैं, पढ़ने में मदद करने वाले हैं, और भी ढेरों जगह पर मदद करने वाले हैं, जी हाँ। तो आपको क्लास कैसी लगी ये बोल करके आप मुझे बताइए कि क्लास कैसी लगी, क्लास बढ़िया लगी है ना, क्लास को लाइक करिए, और ये वाली क्लास ना पक्का शेयर होनी चाहिए, ठीक है, तो जल्दी से क्लास को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे पता है अब तक कर लिया होगा, पर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। टेंसेस की बुक आ चुकी है, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, टेंसेस की बुक के लिए टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा इस नंबर को मोबाइल पर सेव करके। इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और ये फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, तो इसके लिए भी टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, नंबर पहले सेव कर लीजिए, है ना, मोबाइल पर। इसके अलावा मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर लें। टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करने के लिए सर्च करें ये लिंक के जरिए, या इस नंबर को सेव कर लें मोबाइल पर, या सिंपली सर्च करें बी बैंकर, जहां पर आपको मिलेगा बी बैंकर एजुकेशन सॉल्यूशन नाम का चैनल टेलीग्राम पर, उसी को आपको ज्वाइन करना है। वहां पर आप पा सकते हैं हमारी पेड कोर्सेज की जानकारी, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, दोनों ही कोर्सेज में से कोई भी कोर्सेज अगर आपको करनी हो तो आपको टेलीग्राम पर बात करनी होगी कि भाई इस कोर्स की अगली बैच कब शुरू हो रही है और आप कैसे इनमें एडमिशन ले सकते हैं, राइट। तो क्लास कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलना, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड टू बी बैंकर्स।